नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। सोमवार को शहर में आंवला नवमी मनाई गई। वैसे कार्यक्रम तो कई स्थानों पर हुए, लेकिन सबसे खास आयोजन मल्लारगंज क्षेत्र के छिपा बाखल का रहा। यहां व्रतधारी महिलाओं ने आंवले के पेड़ की पूजा की। आंवले के पेड़ को रंग बिरंगे बल्बों की झालर से सजाया गया था। गौरतलब है कि छिपा बाखल रहवासी संघ ने संस्था हरियाली बना रखी है, उसी के बैनर तले ये सभी आयोजन होते हैं। संस्था हरियाली के गोपाल सिसोदिया, हुकम पहलवान यादव, विशाल अग्रवाल, हितेश सिसोदिया और अन्य मिलकर रहवासी संघ के लिए काम करते हैं। इन्होंने कुछ साल पहले आंवले का छोटा सा पौधा लगाया था, जो अब बड़ा होकर पेड़ बन चुका है। सभी पौधों को पेड़ बनाने का कार्य संस्था हरियाली ने किया है। इसी आंवले के पेड़ के नीचे सैकड़ों महिलाओं ने पूजा अर्चना की। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने का भी विशेष महत्व होता है, जो महिलाओं ने किया। संस्था हरियाली के गोपाल सिसोदिया ने पूरी जानकारी दी। आंवला नवमी कार्तिक शुद्ध नवमी के दिन आता है, इसलिए सब औरतें व्रत या कार्तिक महीने से व्रत करती है। आंवला नवमी के दिन पूजती है और अखंड सौभाग्य के लिए अपने पति की कामना करती है और 11 परिक्रमा करके वहाँ से आशीर्वाद। आंवला नवमी जो भगवान विष्णु के क्या है, भगवान विष्णु का है, जो लक्ष्मी को था वरदान था कि जो भी आंवले की पूजा करेगा वरदान दान में देगा।